वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ इम्तियाज अहमद। आज हम लोग क्लास एट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर रेशनल नंबर, पढ़ेंगे। और रेशनल नंबर्स में हम लोग एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.4 हम लोग आज कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से शुरू करते हैं बेटा। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन और हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन है कि अमीना थिंक्स अ नंबर, एनसीईआरटी बुक है, निकाले सामने। अमीना थिंक्स अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, देन शी मल्टीप्लाइड बाई 8। देन नाउ रिजल्ट द 3 टाइम्स द सेम नंबर she bought of, what is the number? क्वेश्चन है कि अमीना कोई मन में कोई नंबर सोचती है। मान लो वो नंबर क्या है, तो क्या लिखेंगे हम यहां से? let the number be x। कोई नंबर क्या है? वो नंबर x है। वो नंबर क्या है? वो नंबर x है। और दूसरा नंबर, let the number be x। अमीना थिंक्स अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इसमें से वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डी क्यू इसमें से 5/2 वो सब्ट्रैक्ट, यानी एक्स माइनस 5/2 फ्रॉम आई लिखा हुआ। अब इसके बाद क्या करता है कि जो सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्या कर देंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो तो क्या होगा? इसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें लिखा हुआ क्या? एंड रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम द सेम नंबर। इसका मतलब क्या है? उस नंबर को 3x से मल्टीप्लाई। यही क्वेश्चन है भाई, कितना सिंपल है। अब सॉल्व करना जानते हैं, आसानी सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा? सर 8x माइनस 85 का 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3x। इसे सिंपलिफाई करेंगे 22 जब 40 तो 8x ये प्लस है इधर आएगा, 3x ये माइनस 20 इधर प्लस 20, 8 माइनस 3 सर 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 बाई, जल्दी बोलो भाई, 5/4 का क्या हो गया? अरे यार तू तो आ गया सर, वो नंबर क्या है? कितना सिंपल है बोलो। चलो समझ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। बोला अ पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। आहा कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देख लो, बहुत मजा आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है तो देखो, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। अरे भाई लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, मान लो फर्स्ट नंबर एक्स है तो अनदर नंबर कितना होगा? जल्दी बोल यार, अनदर नंबर बी क्या होगा? क्वेश्चन दे रहा 5 टाइम द अनदर दूसरा नंबर 5। अब क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला ये जो पहला नंबर एक्स है और दूसरा नंबर जो 5x है, दोनों तरफ इसमें 21 ऐड कर दो भाई, इसमें भी 21 ऐड कर दो, इधर भी 21 ऐड कर दो। अब जो फर्स्ट नंबर जो है, ये इसका जो न्यू नंबर है, ये जो फर्स्ट नंबर इसका वो क्या हो जाता है? क्वेश्चन क्या बोला? 21 ऐडेड बोल इफ वन न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस द अनदर न्यू नंबर, मतलब इसका ये दोगुना हो जाता है। उसे मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करना यार, 2 को x से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा। मुझे लगता है कि सारे बच्चे बना देंगे 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21, इधर ले आओगे भाई 2x प्लस अगर तो माइनस 5x इज इक्वल टू 21 प्लस, इधर माइनस आ जाएगा बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो क्या होगा सर? माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस, यस माइनस माइनस कैंसिल हो गया भाई, x इज इक्वल टू 7 हो गया। क्या x 7 हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? अब बोलो भाई, फर्स्ट 7 हो गया, अनदर नंबर क्या हो गया भाई? 5x है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा? 35। इतना सिंपल है, समझ गए बेटा ये क्वेश्चन, मुझे लगता